महिंद्रा की ये बटिस्टा गाड़ी है, ये वाली ओके फाइन। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती कि लिटरली हमारा दुश्मन मुल्क हमसे आगे निकल रहा है और हम उन्हें देख रहे हैं एंड वी आर प्रेजिंग देम। ओह वाओ, तू टके का बंदा नहीं है, अब कहेंगे रुपए का नहीं है भाई तू, ऐसे ही है क्योंकि टका भी 2.5-3 रुपए का हो गया। ऐसी हकीकत है, बिल्कुल ये है कि सीखना चाहिए कि आया क्या पैसा, क्या पैशन है उनके अंदर जिससे वो इतना आगे ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, वो बहुत तरक्की कर। अब आपका जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ही इंडियन है, ऋषि सुनाक। हाँ, ऋषि सुनाक बिल्कुल। आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला देवी हैरिस, वो खुद ही शी इज बेसिकली इंडियन है और इंडियन बड़ी बड़ी अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, पोस्ट पे लगे हुए हैं और क्योंकि वो मेहनत करते हैं भाई, वो हार्ड वर्क करते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं अल्लाह उनको तो खैर करे, हम में भी टैलेंट है। वाह वाह, ये तो फिर इंडिया तरक्की कर गया, बड़ी बात। ये बट्टी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा। अक्सा अक्सा, मुझे ये बताइएगा कि आपको गाड़ियों का शौक है? किसको नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात की जी। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो ये गाड़ी आप लुक वाइज और इंटीरियर वाइज देख के बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। दिस इज अमेजिंग, यूनिक है। यूनिक है, ऐसे जैसे फ्लाई कर रही हो, बिल्कुल जबरदस्त। और ये एक तो ये बहुत टेस्ट कार है और दूसरी इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार होने के साथ साथ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं और बता देता हूँ। एक दफा चार्ज करने पर आप मैक्सिमम जो है वो 500 किलोमीटर तक इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये चार्ज कितनी देर में हो जाती है? मैक्सिमम आप 30 से 50 मिनट में जो है वो आप इसे चार्ज कर लेंगे, कम्प्लीट चार्ज हो जाएगी। दिस इज अमेजिंग, ये कुछ यूनिक था कि कम टाइम में चार्ज हो जाती है और चलती भी देर तक है। और ये बताइएगा ये कहाँ पे हो सकती है? पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल रियलिटी है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोकल मैन्युफैक्चर होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक वगैरह के हिसाब से जिन्होंने भी, आई गेस मैंने हिस्ट्री में सुना था कि किसी स्टूडेंट ने कोई इलेक्ट्रिक बाइक निकाली थी तो स्टूडेंट नज़र नहीं आया दोबारा। स्टूडेंट तो दूर की बात है, गाड़ी पाकिस्तान में पानी पे बनाई गई थी तो वो भी लोग नज़र नहीं आए थे। बिल्कुल ये भी, उसके बाद कोई खबर नहीं है पानी पे भी चलने वाले की। तो यानी कि पाकिस्तान में ना हमें फ्यूचर नज़र नहीं आता बल्कि बंदा गायब हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर बात करें ये, अगर इसी गाड़ी के हवाले से कि ये गाड़ी जो है कहाँ की हो सकती है? इट मस्ट बी जापान, अमेरिका। अच्छा जी, गाड़ी के हवाले से हमेशा जापान का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जापान को रिसेंटली एक मुल्क ने बीट किया है, उसका पता है आपको? गाड़ियों में नहीं, इंडिया। आर यू सीरियस? सीरियस, इंडिया ने जापान जैसे मुल्क को गाड़ियों में, व्हीकल्स में बीट किया है और 4.425 मिलियन की सेल करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। और इस टाइम व्हीकल्स में वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, इतनी उन्होंने गाड़ियाँ प्रोड्यूस की हैं। वाओ, वो कौन सा ब्रांड है? टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, उनके लोकल 40 से ज़्यादा ब्रांड है। और पाकिस्तान का तो कोई अपना एक लोकल ब्रांड नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूनाइटेड या पर्ल है, लेकिन वो बेसिकली उसको कोई इतनी अच्छी लुक नहीं दी गई जिसकी वजह से वो उसका कुछ स्कोप नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे उसमें एयर बैग नहीं होते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं इंक्लूड, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे सारे इंजीनियर्स कहाँ चले जाते हैं पढ़ के। हमारे इंजीनियर्स अभी रिसेंटली 8 लाख लोग, क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा चुके हैं, यहाँ मुस्तबिल नहीं है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। Because we like to import things, हाँ? हम लोग एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे ही है। और सो ब्यूटीफुल यार, किसकी है ये? किसकी है ये? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ की है, कहाँ की मैन्युफैक्चर है। पहले तो आप गेस करके बताएं कि किस कंट्री की मैन्युफैक्चर। ये तो मुझे लग रही है, आई थिंक ये लंदन की है, पाकिस्तान की है। का नहीं हो सकता ये मटेरियल, पाकिस्तान की नहीं हो सकती। हाँ। सर इंडिया में इतना डिफरेंस तो नहीं पाकिस्तान और इंडिया का? उधर भी तकरीबन ये होगी, तकरीबन 1.5-2 अरब के करीब करीब। लेकिन सर इंडियन प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया, उसकी क्या वजह सर, आप मुझे बताएंगे ज़रा? सर ये इंडियन ही है, इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है, महिंद्रा की ये न्यू फ्यूचरिस्टिक कार है जो कि वो वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रही है। वाह वाह, ये तो फिर इंडिया तरक्की कर गया। इंडिया तरक्की कर गया, बड़ी बात। ये बटिस्टा के नाम से ये गाड़ी का नाम है और ये गाड़ी आप सर्च करेंगे महिंद्रा बटिस्टा। ओके,
और जो कि ये फ्यूचरिस्टिक कार है, इस पर अभी काम जारी है जो कि इन फ्यूचर ये इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, देखें इस तरह की प्रोडक्ट बनानी चाहिए क्योंकि मेरे जैसा बंदा धोखा खा सकता है, तो यकीनन हर बंदा धोखा खा सकता है। इतनी खूबसूरत और इतनी जो वेल पर्सनैलिटी गाड़ी है ना, और वो आई थिंक हमारे जो यूरोप कंट्री के अलावा शायद ना हो किसी के पास, लेकिन इंडिया को ये एजाज़ मिल गया कि उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी मॉडिफाइड की है, तो बड़ी अच्छी बात है सर। अच्छा सर, जबरदस्त गाड़ी है और ये मुझे लेटेस्ट मॉडल कोई लग रहा है, अब मुझे नाम वगैरह का तो नहीं आइडिया हो रहा है, पोर्शा लग रहा है या उससे रिलेटेड, लेकिन बहरहाल मतलब बड़ी जबरदस्त गाड़ी है देखने में, तो जैसे लेम्बोर्गिनी है या पोर्शे जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स लुक है, स्पोर्ट्स लुक है और हैवी लुक है और बड़ी लेविश किस्म की। अच्छी बात ये टोटली इलेक्ट्रिक है, एक दफा चार्ज करने पर मैक्सिमम आप 500 किलोमीटर तक इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो स्पीड जा रही है वो 350 किलोमीटर। अगर इसको लाहौर से चलाएंगे तो इस्लामाबाद जाएगी ये, जाएगी हाँ जाएगी, लेकिन ये बहुत नीचे है यार, ये नीचे से तबाह हो जाएगी यहाँ पे। ये बात है, हमारे जो पाकिस्तानी रोड है उसके मुताबिक नहीं है ये गाड़ी। हाँ बिल्कुल सही है, ये जैसे उन्होंने डिजाइन की है और ये जो इसका मॉडल है ये अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ही है। अच्छा अगर बात की जाए ये किस कंट्री की मैन्युफैक्चर है, यार इसको देख के तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अमेरिकन या तो होगी, तो क्योंकि ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे वहीं इस तरह की स्पोर्ट्स कार्स की जो है ना ज़्यादातर डिमांड वहीं है। लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा ना ये किस कंट्री की है तो शायद आप शॉक्ड हो जाएं। हाँ ज़रूर बताएं, आप ज़रूर। आपके आसपास कंट्री है? आसपास कंट्री तो इंडिया है, अफगानिस्तान है और इस तरह की कंट्री है। जो आसपास कंट्री है फिर इन्हीं में से कोई एक कंट्री है आसपास, मिडिल ईस्ट होगा फिर, उसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आपने नाम लिया ना इंडिया, ये मेड इन इंडिया। उनका R&D सेटअप भी अच्छा कर रहे हैं वो, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहे हैं उनके। वही यार अच्छी लगी है, मैं ये जानता हूँ वो अफगानिस्तान में जो बनी है ना मादा 5, वही गाड़ी सुपर कार जो है, बिल्कुल बिल्कुल अफगानिस्तान में बनी है, बिल्कुल जानता हूँ, मैं खुद ही पिशावर का हूँ। जबरदस्त, लेकिन सर ये सुपर कार का मैंने पहले इंटरव्यू कर चुका हूँ, ये सुपर कार नहीं है। नहीं सुपर कार तो नहीं, असल में बात ये है कि ये जो बिल्कुल से मिलती जुलती है। नहीं सर मेरी बात सुन, असल में ये जो कार है ना, जब अफगानिस्तान में तालिबान जब 20 साल वो जंग कर रहे थे ना, तो उसमें वो माली गनीमत रह गए थे वो, तो उसने पार्ट्स लेके उसने फिर इंजीनियरिंग की है, फिर उससे ये सुपर कार बनाई है। मैंने सर वो गाड़ी देखी है, बड़ी कमाल की गाड़ी है। असल में वो जो अफगानी लोग होते हैं ना वो मेहनत कश लोग हैं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सर ये जो गाड़ी है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की है। अच्छा अच्छा, इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है, जैसे कि महिंद्रा नाम सुना होगा आपने, टाटा मारुति सुजुकी, ये वो तमाम ब्रांड है जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ये अभी रिसेंटली फ्यूचरिस्टिक कार है जो कि इंडिया इस पर काम कर रहा है, और ये टोटली इलेक्ट्रिक है। सही है, सही है। और तो ये जो रिलेटेड नहीं है उससे, वो अफगानिस्तान की वो गाड़ी से उससे मिलती जुलती है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्रोग्राम मैंने कर लिया, सेम टू सेम गाड़ी उसकी भी इसी तरह की है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है। अच्छा ऐसे, तो फिर इंडिया को भी मुबारकबाद हो इस बात पे। वो हम सुजुकी और सम अदर जो है वो तमाम प्लांट जो है वो सिर्फ शट डाउन हो चुके हैं, और अभी मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकलने वाला है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमसे आगे निकलने वाला है। रिसेंटली उन्होंने एक गाड़ी इस तरह की बना के, रिसेंटली जिस तरह की गाड़ी अभी मैं दिखा रहा हूँ इससे मिलती जुलती गाड़ी उन्होंने बनाई थी, और इंजन बेशक उन्होंने बाहर से उसके अंदर इंक्लूड किया था, लेकिन गाड़ी इस कदर बना के लोगों को हैरान कर दिया था। मैंने भी इसके बारे में सुना है, मेरी चैनल पे इसकी वीडियो बढ़ी है। सीरियसली मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम किया है। जबरदस्त, आई विल वॉच दैट। अच्छा जी, जैसे कि अभी आपने गाड़ी देखी है, ये गाड़ी आपके हमसाया मुल्क इंडिया की और महिंद्रा की, ये बटिस्टा गाड़ी है, ये वाली ओके फाइन। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती कि लिटरली हमारा दुश्मन मुल्क हमसे आगे निकल रहा है और हम उन्हें देख रहे हैं, एंड वी आर प्रेजिंग देम। ओह वाओ वाह, ज़बरदस्त जी। जैसे जी आपने देखा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिस तरह से तेज़ी से ग्रोम कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, अपने हमसाये से सीख लेना चाहिए। सीखना तो हमें बहुत सारी चीज़ों से चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, हम हसद फील करते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क हमसे आगे निकल गया। हम हसद फील करते हैं, क्यों क्यों उसकी रीज़न ये है, क्योंकि हमें भी उसका मुकाबला करना है, हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। हम ऐसे नहीं पहुँचेंगे, हम उनसे हेल्प मांगेंगे, और यही हमारी ग्रोथ का जो है एक हिडन क्या कहेंगे टैलेंट है हमारा। क्या हम मांग के आगे बढ़ेंगे, मांग के आगे बढ़ेंगे। लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? ऑडियंस को देखें, कोई एक बंदा तो आपको ठीक करने वाला नहीं है,
तो सेपरेटली सबको अपने ऊपर काम करना चाहिए. हमारी जो यूथ है इंक्लूडिंग मी, आई एम इंटरेस्टेड टू मूव एब्रॉड. लेकिन आपको पहले सोचना चाहिए कि अगर अपनी स्किल्स को अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो डू इट फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री. बिकॉज आप यहाँ पे सेफ हैं, वहाँ पे पैसा बहुत है, इज्जत नहीं है. लेकिन अपनी मर्जी से जीना जी नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी जो फ्रीडम अपने मुल्क में मिलती है ना, वो कहीं पे नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती. मैंने कुछ अर्सा स्पेंड किया है सऊदीया में और मुझे इस चीज़ का आइडिया है. अभी सऊदीया ने जब आपके इंडिविजुअल पे सारी टैक्स वगैरह रेज किए हैं तो सारे इधर ही आए हैं ना. क्यों आए हैं यहाँ पे, वहीं रहते पर नहीं, मुश्किल में अपना ही मुल्क याद आता है. ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. लाफेज महिंद्रा, ये गाड़ी का नाम है महिंद्रा बटिस्टा. क्या कहेंगे जी, गाड़ी अगर इंडिया इस तरह की लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने ही मुल्क में, उनका एक बड़ा अच्छा खासा ये ब्रांड है महिंद्रा और टाटा और मारुति सुजुकी, इस तरह के काफ़ी ब्रांड है जो वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, को पाकिस्तान का कोई एक ऐसा ब्रांड जो बड़ा अच्छा खासा नाम हो, कुछ बताएं. उनसे जो है ना, मैं वो तो एक साइड पे रही ना बात कि वो हमारी जो कंट्री है उनके साथ मसाइल हैं उनके जो भी हैं, लेकिन उनसे अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो सीखनी चाहिए उनसे. सीखनी चाहिए कि वो R&D ऐसा क्या कर रहे हैं, वो क्या ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे वो इतनी ज़्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, साइंस में आगे जा रहे हैं और IT में उनकी बहुत ज़्यादा आगे गए हैं. IT सेक्टर को मूव किया उन्होंने आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. हाँ, उनके जो मतलब जो गूगल का जो है CEO जो है वो भी उन्हीं का ही है. तो कहने का मकसद ये है कि वो काफ़ी उनकी डेवलपमेंट है और नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई गोरों के लेवल पे वो आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन सर अभी तक अगर देखा जाए ना, देखा जाए अभी तक वो इस टाइम दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमिकली तौर पे आ चुका है. और अगर व्हीकल्स की बात करें ना सर, इस टाइम वो 3रे नंबर पे है, जापान जैसे मुल्क को बीट कर दिया उन्होंने. आप ये देखें, आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल ले लें. बिल्कुल, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया, चला गया. यानी पहले लोग ये कहते थे कि यार तू टके का बंदा नहीं है, अब कहेंगे रुपए का नहीं है भाई तू, ऐसे ही है क्योंकि टका भी 2.5-3 रुपए का हो गया. ऐसे हकीकत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो ये कहने का मकसद ये है कि सीखना चाहिए कि आया क्या पैसा, क्या पैशन है उनके अंदर जिससे वो इतना आगे ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि हमको अप्रिशिएट करना चाहिए. असल में इंडिया में जो है ना, मैं खुद ही 2 साल में इंजीनियरिंग कर चुका हूँ. मेरे जो चेयरमैन साहब हैं साहर नूर साहब जी जी, तो वो खुद ही एक बार इंडिया गए थे, भारत गए थे, तो वो कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और IT में एजुकेशन में बहुत आगे हैं. उनकी जो GDP है ना वो 4%, वो 4.5% है और ये दिन पर दिन उनकी ज़्यादा होती जा रही है. वो IT गाड़ियों के लिहाज से तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप एजुकेशन वाइज देख लें भाई, वो बहुत तरक्की कर. अब आपका जो UK का प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ही इंडियन है, ऋषि सुनाक. हाँ, ऋषि सुनाक बिल्कुल. आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला देवी हैरिस, वो खुद ही शी इज बेसिकली इंडियन है और इंडियन बड़े बड़े अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं. और क्योंकि वो मेहनत करते हैं भाई, वो हार्ड वर्क करते हैं. हमारे जो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह उनको तो खैर करे, हम में भी टैलेंट है.